अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे। और आज जो है मुझे आप लोगों को बहुत बिग न्यूज़ देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान साहब को जो है शौकत खानम हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। सब ने जो है इमरान ख़ान के लिए बहुत दुआएँ की थी, तो जो है हमारी दुआएँ रंग ले आई हैं। और ये जो है बाहर के मनाजिर हैं हॉस्पिटल के, ये यहाँ पर जो है इमरान ख़ान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इमरान खान का कहना है कि मंगल को वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। और इमरान खान का कहना है कि जहां उन्हें गोलियां लगी हैं वहीं से वो जो है मार्च शुरू करेंगे। और इमरान खान का कहना है कि हमारा लॉन्ग मार्च 10 से 15 दिन में जो है पिंडी पहुंचेगा। और इमरान खान कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं है, जो ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। और इमरान खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी लेने के लिए आप सब लोग मेरे साथ आएँ, जब पिंडी से शुरू करूंगा और अपनी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। ये सब जो है इमरान खान का कहना है। और इमरान खान ने कहा कि मैं ख़ुद लीड करूंगा और पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह लोग आएंगे। फिर इमरान खान साहब ने जो है कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, और कहा कि कोई नहीं है खुदा के सिवा। और कहा कि उसका फ़ैसला होता है जब इंसान को ऊपर लेके जाना होता है, कोई कुछ भी कर ले, अल्लाह के सिवा जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बेशक ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। अभी देख लें उनको किस तरीके से मारने की कोशिश की। और बेशक अल्लाह ताला कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता जो सही रास्ते पर होता है। और वैसे ही इमरान खान ने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके साथ सबकी दुआएँ हैं। एंड आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई।